ভোট দিয়া দিয়া থকিয়া গেলি আমাদের তো কোনো কিছু নাই, তো এই জন্য দিব এরা নতুন বাইছে যদি কিছু করবে খালে। पैसा देगा उसको दीजिए? नहीं नहीं, पैसे हम नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, ये पार्टी नया है, इस पार्टी में जोश है, ये करेगा काम जरूर है करेगा। ये बार काके वोट दीजिए? हेलमेट छापे। हेलमेट छापे दीबे? फुल छापे दो? नहीं दीबो। केने नहीं कोनो कछे नहीं कोनो नहीं कछे नहीं तो ऐसे से केने केने नहीं बोलियो। जोहार नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। जिस तरह से लगातार हमने गांव-गांव जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी इचागढ़ विधानसभा अंतर्गत चोगा गांव में, और देख सकते हैं लगातार हर पार्टी का जो चुनावी हड़कंप देखने को मिल रही है। हालांकि चोगा गांव में मेरे साथ कुछ दादा लोग हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है और लगातार हर पार्टी आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मेरे साथ एक दादा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में इस चोगा ग्रामवासी इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले दादू जोहार, अपना रे चोगा गांव में लोकसभा चुनाव सामने आछे, अपनी काके समर्थन कइछेन? देवेंद्र महतो के। देवेंद्र नाथ महतो केना समर्थन कइछो? सेदिने तो के बोलिया छली कोटो कोटो बार वोट दिया दिया थकिया गेली, हमरे तो कोनो किछु नाय। हां, तो एई जन्य दिब एरा नूतन बाइछे जदि किछु करबे खले। माने विश्वास आछे किछु करबे कि नाय? हां विश्वास आछे। माने एक ही बार वोट दिबे? हाँ। अच्छा, पांच साल थकिल संजय सेठ अपन का ढेर सारा वादा करे छे, लेकिन कोनो किछु काम करे छे कि नहीं करे? वो थाना जाए पे ना काम कुछ छे बोल छे। अच्छा, थाना ही नहीं पाई? नहीं। माने ई बार वाके नहीं दिबे तो? हां नहीं, वो को ना की नाम के दादू तो? हमार गोविंद सिंह मुंडा। अच्छा, अपना अपनी बार काके वोट दिछेन? एई जयराम महतो। जयराम महतो के संजय सेठ के पिछले बार चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव चीना जितार पर की काम करें छे? वार कामेर कोनो ठीक ठेकान नहीं। ठीक ठेकान नहीं देखे? नहीं, माने यथा हमेर ये जे झारखंड ने हमरा जे गाय लोग केमन बास करी सेटाई उ नहीं जाने? ना जाने। अच्छा, तो हमरा ऐसा थाका ऐसा की भावे थाकछी सेटा जाना दरकार, तो हमरा निजी लोग के भोट देबो। মানে নিজি নক দেবেন্দ্রনাথ মাতো? হ্যাঁ, দেবেন্দ্রনাথ মাতো। মানে সঞ্জয় সেট কে নাই দিবে এবারে কি? না না না, দেবেন্দ্রনাথ মাতো কাম করবে রকম লাগছে? দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য কাজ করবেন, এই হান্দরে এই দেহাত এলাকার লোক উঠে ও দরদ জানে, ও দরদ জানে বুঝে গরিব কেমন ভাবে বাস করে দেহাতে, আর অন্য গুলো তো জানে নাই। और भी दीदी लोग हैं, इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे। की नाम है दीदी तो? की नाम है? हमार संजय। अपनी बारे लोकसभा चुनाव सामने ऐसे सब नेता ऐसे संजय सेठ ऐसे सुबोध कानेर बेटी ऐसे बोलबे ये बारे काके वोट दीछो तोरा? हेलमेट छाप। हेलमेट छाप के दिले? केने हेलमेट छाप के दिले? काका दूर संजय सेठ के दिले जीता ले किछु काम करे कि नहीं करे? करबे। संजय सर काम करे छे कि नहीं करे छे? नहीं करे। नहीं करे। की नाम के तदर? सुषमा माथु। ये बार काके वोट दे छो? हेलमेट छापे। हेलमेट छापे दिबे? फुल छापे दो? नहीं दिबो। केने एम नहीं कोनो कछे नहीं कोनो नहीं कछे नहीं तो ऐसे से केने केने नहीं बोलियो? केने बोलछेन तो कोई कोनो करे करबो बोली नो जान लेकिन वोटार कोई दिन। अच्छा, किछु काम नहीं करे? नहीं। কি নামে কে দাদি? ভোটটা কাকে দিবে এবারে? কে তো হ্যাঁ, আমার ছেলে বলে যাকে দেবেন তাকেই দিব। আচ্ছা, ছাইলা বলে যাকে দিবে তাকে দিবে? সব কাই তো বলছে জয়রামকেই দিব। হ্যাঁ, তোমার ছেলে বলে যাবে তাকে দিব বাবু, আমি ঘরে লোকে কাকে বলে নেব। আচ্ছা, ছেলে বলে যাবে জলসারি নাম বটে। কি নাম কে দিদি তোদের? আমার নাম মালতি মাতো। আচ্ছা, গ্রাম থেকে লাগাতার लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, हर पार्टी आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम ही काम ठोकर देंगे, काम ठोकर देंगे, इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट तो हेलमेट छाप कर देंगे हम। हेलमेट छाप में कहा दे रहे सबको? जो हेलमेट जो मन चाहेगा उसी को देंगे हम। अच्छा हाँ, पैसा देगा उसको दीजिए? नहीं नहीं, पैसे हम नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, जब मन जाते खुश
खुशी पसंद का काम है ना। मतलब इस बार जयराम महतो को या संजय सेठ को दे रहे हैं ये सुबंध का? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मतलब चुनाव आने से, मतलब जब आएगा उस टाइम किसका चर्चा चल रहा है? सबसे पहले दादा जोहार। जोहार जोहार। आपके जितने भी समर्थक है और चैनल को जो जितने भी लोग देखते हैं उन सभी को जोहार। और हमारे चौगा गांव में तो अभी मतलब चुनावी हलचल हुआ है और लगातार जैसे देख रहे हैं कि चल ही रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महिला भी बोले कि जेपी केसेस का चर्चा चल रहा है, अभी बोल रहे हैं जेपी केसेस का चर्चा। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका गांव में बीजेपी का चर्चा चल रहा है। देखिए बीजेपी क्या है कि वो एक बड़ा पार्टी है, ठीक है, ये इस बार आया है, हालांकि इसका चर्चा बहुत जोर शोर पर है। और वो देखिए वो तो है कि सेंट्रल पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी हम लोग पहले भी यही जानते थे, आज इतना बड़ा हुए हैं हम लोग भी यही जानते थे कि है कि बीजेपी है और कांग्रेस है, ठीक है। लेकिन बात है कि ये लोग सेंट्रल पे लोग मतलब सेंट्रल लेवल का है जो हमारे माटी का जो बात करेगा, ठीक है, हमारे माटी को देखेगा कौन? आखिर वो तो दिल्ली से आके देखेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को मतलब जहन में रखना होगा, मन में रखना होगा कि हमारे माटी का जो है, जो हमारे माटी के लिए लड़ेगा, जो हमारे घर को देखने तक आएगा, सुख में दुख में हर समय जो साथ रहेगा, उसी को देना चाहिए। और बाहर से कोई वादा तो जेपी केसेस ने बहुत बड़ा बड़ा वादा किए हैं, हालांकि संजय सेठ या कांग्रेस से जसविनी साहब भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हालांकि जेपी केसेस में क्या ऐसा विश्वास लग रहा है आपको? देखिए वादा तो हर पार्टी का ये मैनिफेस्टो में रहता ही है, लेकिन बात है कि वो कहाँ तक पटल पर कहाँ तक वो उतर पाता है, ठीक है। अगर हम एक रुपया कहीं से भेज रहे हैं तो वो एक रुपया हमारे ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड तक कितना आता है वो देखना पड़ेगा। और ये पार्टी नया है, इस पार्टी में जोश है, ये करेगा काम जरूर है करेगा, लोगों को विश्वास होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी से गुजारिश करेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने से दूसरों को कहे कि मतलब जागरूक करे कि हमें जेबी केसेस को लेकर आगे चलना है, वो फिर उनसे रिक्वेस्ट करे, वो मतलब इस तरह का जो चैन बनेगा तो हमारा प्रचार अवश्य होगा। और ये पार्टी जो है ये विश्वास इस पार्टी के साथ दिखाना होगा, हमें भरोसा रखना होगा इस पार्टी के साथ, जैसे हम लोग रखते थे बीजेपी या कांग्रेस के साथ, ठीक हमको भी इस पार्टी से भरोसा रखना होगा, क्योंकि ये हमारे क्षेत्रीय है, ठीक है, इससे भरोसा दिखाना ही होगा, हम बाहरी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पार्टी सब कहाँ के? बाकी पार्टी देखिए संजय सेठ तो उनका पैतृक स्थान हमको नहीं पता, लेकिन हालांकि जैसे लगता है कि वो बाहरी हैं, ठीक है। और संजय जो सुबोधकांत साहब जैसे सोनी जी जो हैं वो भी कहाँ की ये नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हमारे जो करीब हैं, जो हमसे हमेशा रह सकते हैं हमारे पास सुख दुख में, उनको देना है, ठीक है। वो बाहरियों से नहीं, मतलब बाहरी जितना भी है उनका बहिष्कार करना जरूरी है, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बने रहे, जोहार, धन्यवाद। लगातार हमने पहले भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है, हालांकि देखा जाए यहाँ पर जेबी केसेस की ही पकड़ देखने को मिलती है, हालांकि बने रहे आगे फिर वीडियो